गणपति बप्पा मोरे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। क्या आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे? यदि नहीं देखे तो प्लीज़ डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भारतीय संस्कृति में गणेश जी को बुद्धि विद्या का प्रदाता माना जाता है। विघ्न विनाशक, मंगलकर्ता, सिद्धिदायक, समृद्धि, शक्ति और सम्मान का प्रदायक माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ओम को साक्षात गणेश जी का स्वरूप माना गया है। जैसे हर मंगल कार्य से पूर्व गणेश जी की पूजा होती है, उसी प्रकार प्रत्येक मंत्र से पूर्व ओम लगा देने से उसका प्रभाव बढ़ जाता है। और क्या आप जानते हैं कि गणेश उत्सव क्यों मनाया जाता है? चलिए जान लेते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, लेकिन लिखने के लिए उन्होंने गणपति जी से अनुरोध किया। गणपति जी ने इसे स्वीकार किया और लेखन कार्य प्रारंभ हुआ, जो दिन रात चला। कारणवश गणेश जी को थकान हो रही थी और उन्हें पानी पीना भी वर्जित था, इसलिए उनके शरीर का तापमान बढ़ रहा था और उसे रोकने के लिए वेदव्यास जी ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणपति जी की पूजा की। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई, इसी वजह से उनका एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। महाभारत का लेखन कार्य 10 दिन तक चला। अनंत चतुर्दशी के दिन यह कार्य संपन्न हुआ। इस बीच वेदव्यास जी ने देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान अभी भी बहुत बड़ा हुआ था और जो मिट्टी लेप की गई थी वह भी सूखकर झड़ रही थी, तो वेदव्यास जी ने गणेश जी को पास के किसी नदी में ले जाकर उसमें स्नान करने को कहा। इन 10 दिनों में वेदव्यास जी ने उन्हें खाने के लिए उनके पसंद के खाद्य पदार्थ दिए, तभी से यह गणपति उत्सव मनाने की प्रथा का चलन हुआ। अब हमने यह तो जान लिया कि गणपति उत्सव क्यों मनाया जाता है, तो चलिए अब हम गणपति उत्सव के शुभ अवसर पर क्यों ना गणपति जी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लें। तो चलिए चलते हैं। क्या आपको पता है कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ? वैसे तो इससे जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं, बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो मैं आपको बताती हूँ। एक बार पार्वती जी को स्नान करना था और वे चाहती थी कि उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे। उन्होंने अपने शरीर की मैल से निकली मिट्टी को गूंथा और उसे एक बच्चे का रूप दे दिया, जिससे गणेश जी का जन्म हुआ। और पार्वती जी ने गणेश जी से कहा कि जब तक वे स्नान करें तब तक वे बाहर खड़े रहें और किसी को भी अंदर आने नहीं दें। इतने में शिव जी वहाँ आए और जब इस बच्चे ने उन्हें अंदर जाने से मना किया तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने उसका गला काट दिया। तब पार्वती जी बहुत नाराज़ हुई और उन्होंने बताया कि यह उन्हीं का पुत्र है। तब शिव जी ने कहा, मैं इसे फिर से जीवित कर दूंगा। शिव जी ने उन्हें एक ऐसे मृत व्यक्ति का धड़ लाने को कहा जिसका मुँह उत्तर दिशा की तरफ हो, परंतु उन्हें एक हाथी का धड़ मिला। इस तरह से शिव जी ने एक हाथी के धड़ को उनके शरीर से जोड़कर गणेश जी को पुनः जीवित कर दिया, इसलिए उन्हें गजानन भी कहते हैं। यह तो सबको पता है कि गणेश जी का वाहन मूषक यानी कि चूहा है, लेकिन यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि वह चूहा एक राक्षस था जिसको गणेश जी ने चूहा बना दिया था। उसके प्रार्थना करने पर गणेश जी ने उसे अपना वाहन बना लिया, तभी से मूषक राज बन गए गणेश जी के वाहन। पूर्व दिशा गणेश जी को प्रिय है, गणेश जी के दर्शन सदैव सामने से करने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी के पीछे की तरफ दरिद्रता वास करती है। गणेश जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा में दूर्वा का प्रयोग होता है। इसके पीछे एक कथा है जिसके अनुसार अनलासुर नामक राक्षस ऋषि मुनियों को जीवित निगल जाता था। उसका अंत गणेश जी ने किया और उसे निगल लिया, जिसके बाद उनके पेट में जलन होने लगी। इसे शांत करने के लिए ऋषि कश्यप ने उन्हें दुर्वा दी।
उसके बाद से ही गणेश जी की पूजा में दुर्वा चढ़ाई जाती है। एक बार शिव जी ने गणेश जी को वरदान दिया कि उनकी पूजा के बिना कोई भी पूजा और कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा, इसलिए उन्हें आदि पूज्य कहा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि गणेश जी ब्रह्मचारी थे, परंतु कुछ ट्रेडिशंस के अनुसार उनकी दो पत्नियां थीं, रिद्धि और सिद्धि, जिनसे उनके दो पुत्र थे, शुभ और लाभ। तो अब चलिए कुछ स्टाइलिंग देख लें, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि जब हम गणेश जी को घर पे लाते हैं तो हमें उसे कैसे डेकोरेट करना चाहिए। चलिए देखते हैं। ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू गिव मी अ थम्स अप, ये सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और डोंट फॉरगेट टू प्रेस दिस बेल आइकन। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। बाय बाय।